स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की बड़ी खबर इस वक्त की। सांसद आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल, उनके घर पर पहुंची है दिल्ली पुलिस की एडिशनल सीपी स्पेशल सेल, और वो वहां उनके घर पर पहुंची उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ भी स्वाति मालीवाल के घर पर हैं। दरअसल उन्होंने अब अरविंद केजरीवाल के घर पर अपने साथ विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीएस हैं, उनके ऊपर बदसलूकी का, मार पिटाई का आरोप लगाया था। उन्होंने 112 नंबर फोन करके सीएम हाउस के अंदर पुलिस बुलाई थी, पुलिस वहां पहुंची भी थी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इसके बाद कोई केस रजिस्टर नहीं किया था, मुकदमा नहीं दर्ज कराया था। लेकिन उनका स्टेटमेंट लेने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम, दो सीनियर अफसर उनके घर पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। देखिए कि अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा, स्वाति मालीवाल कुछ बोलती हैं, कोई बयान देती हैं या नहीं देती हैं। इस पूरे प्रकरण को अब तो 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल रही है ना पार्टी ना स्वाति मालीवाल। पार्टी ने मान ली, लेकिन इतना माना कि हाँ, घर के अंदर अरविंद केजरीवाल के ड्रॉइंग रूम में स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का इंतजार कर रही थी, वहाँ विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की थी। लेकिन बदतमीजी क्यों की थी, किस हद तक हुई थी, क्या मारपीट भी हुई थी जैसी खबरें शुरुआत में आई थी, इसके बारे में पार्टी ने कुछ नहीं बताया। स्वाति मालीवाल भी तब से खामोश हैं, वो मीडिया के सामने भी नहीं आई हैं। आज लखनऊ में अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव से, तो सीधा ये सवाल उनसे हुआ कि क्या कहना है आपको स्वाति मालीवाल वाले मामले के बारे में, आपके घर के अंदर हुआ। वो चुप हो गए, उन्होंने माइक संजय सिंह की तरफ कर दिया, संजय सिंह ने उसका पॉलिटिकल जवाब दिया, लेकिन उस घटना के बारे में कुछ नहीं बोले। अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दो सीनियर अफसर दिल्ली पुलिस के, वो स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट लेने के लिए उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी पुलिस जा चुकी है उनके घर पर, लेकिन स्वाति मालीवाल कुछ नहीं कह रही हैं। क्यों आखिर स्वाति मालीवाल, जिन्होंने खुद इल्जाम लगाया था इस मामले पर, अब खामोश हो गई हैं, साइलेंट हो गई हैं? क्या पार्टी ने अब इस झगड़े को निपटाने का कोई और तरीका निकाला है, जिसमें शायद ही कहा गया हो कि कोई इस बारे में बयानबाजी ना करे? देखिए, पहले संजय सिंह ने कहा था मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री फैसला करेंगे, लेकिन आज ताज्जुब हुआ है, वही विभव कुमार जिनके ऊपर स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है, वो लखनऊ में साथ साथ चल रहे थे अरविंद केजरीवाल के, एयरपोर्ट पर वो दोनों साथ दिखे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर गाड़ी में बैठे हुए विभव कुमार थे। वो शॉर्ट्स भी दिखा दिए जरा, वाली तस्वीरें भी दिखाइए, गाड़ी में बैठे हुए विभव कुमार, बाहर मीडिया है, ये देखिए विभव कुमार, ये विभव कुमार हैं जिनके ऊपर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है कि निजी सचिव हैं अरविंद केजरीवाल के, अरविंद केजरीवाल के बहुत खास हैं ये, बहुत निकट हैं ये। आप सोचिए, जब जेल में थे अरविंद केजरीवाल, तो यही एक व्यक्ति थे अकेले, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के अलावा, जो रेगुलर नियमित रूप से जेल में जाकर उनसे मुलाकात करते थे, तो आप इनकी अहमियत समझ सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। फिर इन्होंने ऐसी हरकत क्यों की, और अरविंद केजरीवाल इनको अपने साथ साथ लिए क्यों घूम रहे हैं, ये बात भी अभी तक समझ में नहीं आ रही। हमारे दो सहयोगी भास्कर मिश्रा और अनामिका गौड़, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका, मुझे बताइए जरा, ये जो पुलिस की टीम पहुंची है, इनकी कोशिश है कि कुछ बोले स्वाति मालीवाल? बिल्कुल सौरभ, जब सोमवार को ये 9:30 बजे पीसीआर कॉल स्वाति मालीवाल की तरफ से गई की गई, दो पीसीआर कॉल स्वाति मालीवाल ने सीएम रेजिडेंस से की थी, अपने साथ मारपीट के आरोप लगाए थे विभव कुमार पे। उसके बाद स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस पुलिस थाने भी गई, लेकिन स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की गई थी, और तब से पुलिस जो है वो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, और इस समय वो स्वाति मालीवाल के राज्यसभा सांसद जो है उनके रेजिडेंस पे मौजूद है। थर्ड फ्लोर पे स्वाति मालीवाल का घर है, और एडिशनल सीपी स्पेशल सेल के साथ साथ एडिशनल सीपी नॉर्थ भी स्वाति मालीवाल के घर में इस समय मौजूद है। करीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं पुलिस को स्वाति मालीवाल के घर में पूछताछ के इरादे से पुलिस गई है, पुलिस की पूरी टीम यहां पे खड़ी है, पुलिस की गाड़ी भी हम आपको दिखा देंगे। इस समय जो है सभी की निगाहें स्वाति मालीवाल पे है, दिल्ली पुलिस भी कोशिश कर रही है कि उस घटना का संज्ञान लिया जाए कि क्या हुआ था सोमवार को सीएम रेजिडेंस पे स्वाति मालीवाल के साथ, किस वजह से स्वाति मालीवाल ने वो पीसीआर कॉल की थी। फिलहाल इतने दिनों तक पुलिस ने स्वाति मालीवाल का इंतजार किया कि स्वाति मालीवाल आए और अपना बयान दर्ज कराएं, अगर वो एफआईआर करना चाहती हैं तो एफआईआर करें, लेकिन स्वाति मालीवाल ने किसी से संपर्क नहीं साधा था। कल हम आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के घर पे जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो भी यहां आए थे। करीबन 4:00 का वो वक्त था जब संजय सिंह यहां आए थे, और अब जो है बड़ी डेवलपमेंट इस केस में ये है कि जो स्वाति मालीवाल का घर है वहां पे दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है, कोशिश की जा रही है कि उस पूरी घटना का संज्ञान स्वाति मालीवाल से लिया जाए। मिनट अपडेट की जाए, दोनों सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इस वक्त स्वाति मालीवाल के घर के अंदर हैं,
तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं उनसे बातचीत करते हुए, और स्वाति मालीवाल को ऑफिशियल अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगी पुलिस के सामने या नहीं कराएंगी ये हमको देखना होगा। पुलिस की टीम जब पहुंचेगी बाहर बाहर निकलेगी तब उनसे बातचीत करने की कोशिश होगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार कि इस मामले में स्वाति माल से भी हम उनका पक्ष जान सकें, अभी तक लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट हमको भी नहीं दिया है। भास्कर मिश्रा जो आम आदमी पार्टी की सारी खबरें रखते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, भास्कर है क्या पूरा मामला और स्वाति मालीवाल पुलिस बुलाने के बाद अब इतनी खामोश अचानक क्यों हो गई है, मीडिया के सामने भी नहीं आ रही है? देखिए इस खामोशी को कैसे तोड़ा जाए या इसका कैसे पटाक्षेप किया जाए, आम आदमी पार्टी हम और आपसे बहुत ज्यादा उत्सुक है। संजय सिंह जब मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने ये स्वीकार लिया कि विभव कुमार ने बदसलूकी की है, तो उसके बाद एक तरह से हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इस मामले का पटाक्षेप हो गया, लेकिन उसके बाद भी आज तीसरा दिन है जब तक स्वाति मालीवाल इस मामले में खुद लिख के नहीं देती हैं कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहती हैं, या वो लिख के ये नहीं देती हैं कि वो कार्रवाई चाहती हैं, तब तक इसी तरह का सस्पेंस बना रहेगा और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि चुनाव में इसका नुकसान हो रहा है। आप अगर देखें कल परसों से कोई भी एक्टिविटी पार्टी ऑफिस में नहीं हो रही है, कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं, बोले क्या ये नहीं पता है। ये बहुत मुश्किल की घड़ी है पार्टी के लिए कि अरविंद केजरीवाल 20-21 दिन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे और एक अलग मुसीबत में फंस गए। अब उनको, उनकी पार्टी को, हर किसी को इस बारे में अब हर जगह बयान देना है, लोग इस पे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, संजय सिंह ने ये कहा था मुख्यमंत्री आवास में ड्राइंग रूम में घटना हुई, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन जिस पर आरोप है मारपीट करने का सांसद के साथ, वो तो उनके साथ साथ घूम रहा है, आज लखनऊ में उनके साथ है विभव कुमार, अमृतसर में भी है शायद, बिल्कुल लखनऊ में उनके साथ थे, लेकिन आप ये मान के चलें कि वो आगे भी रहेंगे उनके साथ में, इसमें मुझे कोई भी दो राय नहीं लग रही है। अब उनके ऊपर में कार्रवाई किस तरह की होगी ये पार्टी को बताना पड़ेगा। सबसे पहले ये पार्टी को बहुत भारी मन से ये फैसला लेना पड़ा होगा कि पब्लिकली आके वो ये बताएं कि विभव कुमार ने ये बदसलूकी की है, ये बदतमीजी की है, और उसके बाद आप ऐसा बिल्कुल ना माने कि अगर ये बोल दिया गया है तो विभव कुमार को कट ऑफ कर दिया जाएगा पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से वो दूर रह जाएंगे और इसी तरह से पार्टी स्वाति मालीवाल के आरोप के बाद, शायद कोई अपडेट है अनामिका के पास, अनामिका देखिए हलचल लगातार स्वाति मालीवाल के रेजिडेंस पे हो रही है, हर जगह पे हमारी नजर बनी हुई है, कोई भी अगर स्वाति मालीवाल के इस बार घर के करीब मिलने आ रहा है तो उस पे सस्पेंस है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पे आते हैं, बट फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है उनका आना जाना जो है वो पूरे जो ये परिसर है राज्यसभा सांसद के घर, जो पूरी बिल्डिंग का परिसर है वहां पे हो रहा है, और अभी दो बड़े ऑफिसर्स जो है दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी नॉर्थ और एडिशनल सीपी स्पेशल सेल्थ, वो स्वाति मालीवाल के घर पे हैं। सौरभ जी ठीक है, लेकिन भास्कर आप कह रहे थे कि ये मानने के बावजूद कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की या मारपीट की जैसा वो कह रही हैं, पार्टी विभव कुमार को अलग नहीं करेगी? मुझे नहीं लगता कि विभव कुमार को इस मामले में इतनी बड़ी सजा दी जाएगी कि पार्टी से अलग हो जाए या सीएम से अलग हो जाए, कारण उसकी भूमिका, विभव कुमार की भूमिका और जरूरत दोनों ही पार्टी के लिए बहुत बड़ी है। अब सजा क्या दी जाती है, अगर पार्टी ने यह स्वीकार कर लिया है पब्लिक फोरम पे कि विभव कुमार ने बदसलूकी की है, तो उसके बाद सजा क्या दी जाती है ये दो चीज़ पे निर्भर करता है। इसमें स्वाति मालीवाल क्या चाहती हैं और पार्टी कैसे मना रही है स्वाति मालीवाल को। मेरी जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब से कुछ देर बाद, या हो सकता है कि कल तक का वक्त लग जाए, ये मामला निपट जाएगा पार्टी स्तर पे। इस तरह की कोशिश हुई है और वो कोशिश रंग ला रही है। स्वाति मालीवाल अगर अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं कर रही हैं तो ये मान के चलें कि बातचीत का चैनल अभी चल रहा है, संजय सिंह खुद बात कर रहे थे, ये इसमें कोई छुपी बात नहीं है, कल भी वो उनके घर पे गए थे। हाँ इतना जरूर हुआ है कि आपने देखा होगा कि जैसे आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद की प्रतिक्रिया जो थी उससे कम से कम पार्टी को लग रहा था कि ये शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर से मेरी बात हुई है पार्टी में, तो ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम या कल सुबह तक इस मामले में इस स्थिति में पार्टी पहुंच जाएगी कि ये कह देगी कि नहीं ठीक है, ये आपसी तौर पे इसको सुलझा लिया गया है। मतलब कंप्लेंट नहीं करेंगी, यही तो मतलब हुआ कि पार्टी मना लेंगी स्वाति मालीवाल को कि वो कोई ऑफिशियल कंप्लेंट ना करें विभव कुमार के खिलाफ, यही बिल्कुल
चलिए, तो अभी इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो तो सारी घटना आप सबके सामने है। प्रोफेसर साहब क्या कहना है आपको, स्वाति मालीवाल को मैनेज करने की कोशिश करें आम आदमी पार्टी, सिंपल? देखिए, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, या देश भी जरूर जानना चाहता होगा कि अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई या नहीं हुई। एक, क्या वो अशिष्टता सिर्फ शब्दों में थी विभव कुमार के द्वारा, या उनके साथ उनको पकड़ करके फिजिकली असॉल्ट किया गया, उनको कमरे से धक्का दे करके बाहर करने की कोशिश की गई, क्या धक्का देने से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी के बीच में बहुत तकरार हुआ, क्या पति पत्नी के बीच में झगड़े हुए? कहां से आ गई बात? मैं ऐसे र्यूमर्स हैं, ये सवाल बनते हैं। और विभव कुमार किसके कहने पर ये बदतमीजी की? एक सेक्रेटरी, एक पीएस की इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं होती है कि वह आकर के किसी राज्यसभा के सांसद को, और वह भी अरविंद केजरीवाल के दोस्त को, अरविंद केजरीवाल के दोस्त को और अरविंद केजरीवाल के नजदीकी व्यक्ति को इस प्रकार से आकर के बदतमीजी करे, किसी पीएस के हैसियत खुद अरविंद केजरीवाल के नजदीकी है। मैं बताता हूं कहीं ना कहीं इसके बीच में एक गहरा राज है जो बाहर निकलने से रोका जा रहा है, क्योंकि वो राज यदि बाहर निकल जाता तो अरविंद केजरीवाल की सारी कमाई जो है, सारी जो पूंजी है व्यक्तित्व की, वो सारी धूमिल हो गई होती, और इसका 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 असर आम आदमी पार्टी पर भी पड़ेगा, एक मिनट में, आम आदमी पार्टी के भविष्य गर्त में चला भाई भास्कर। देखिए, सब लोग यही जानना चाहते हैं, फैक्ट है, हुआ क्या था, कैसे हुआ झगड़ा, किसने मारपीट की, मारपीट हुई या नहीं हुई, किसके कहने पर हुई, क्या है? आप, हो सकता है आपको कुछ मालूमात हो लोगों से बात करने के बाद, अगर आप शेयर कर पाए। मैं जानता हूं बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जान करके भी शायद नहीं बता पाते हम, लेकिन फिर भी कोई अगर जानकारी ऐसी है आपके पास तो दीजिए। एक दो तीन चीजें जोड़ दूं, एक मिनट सब ये बस सुन लो, फिर बात। देखिए, बॉटम लाइन ये है कि अगर पार्टी ने ये मान लिया है बदसलूकी हुई है तो हमें और किसी और को इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मैं कुछ चीज़ें जीरो इन करने की कोशिश करूंगा, इस पूरे घटना को की शुरुआत कैसे हुई है। स्वाति मालीवाल को सीएम से मिलने का समय नहीं मिला था, या ये कहें कि स्वाति मालीवाल ने सीएम से मिलने का समय नहीं मांगा था, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है। 9:10 पर वो पहुंची थी, उनकी एंट्री जो हुई है वहां पे भी उनको रोका गया था, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था ये बोल के कि आपके पास में कोई समय नहीं है, सीएम के साथ कोई अपॉइंटमेंट आपका फिक्स नहीं है। उसके बाद भी वो घर के अंदर दाखिल हुई हैं, और उसके बाद अगर दाखिल हुई हैं तो ये फोर्स एंट्री के उसमें उसमें रखा जाता है। उसके बाद स्वाति मालीवाल घर के अंदर गई हैं, विभव कुमार घर पे नहीं थे उस वक्त जब ये पहुंची हैं, लेकिन बाद में वो आए। बहुत कम समय ऐसा था कि स्वाति मालीवाल और विभव कुमार सीएम हाउस में दोनों थे, तकरीबन आधा घंटे का वक्त था जब स्वाति मालीवाल वहां पे सीएम हाउस के अंदर थी। उस आधा घंटा में बहुत कम मतलब चंद मिनट का समय ऐसे था जब आमने सामने ये दोनों थे, और इस बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेके पुलिस को कॉल किया गया है, पार्टी के द्वारा या स्वाति मालीवाल के द्वारा, स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है कि इस बीच में क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल उस वक्त घर पे थे, हम लोग क्या अरविंद केजरीवाल की उस वक्त स्वाति मालीवाल से मुलाकात हुई, कुछ पता है आपको? नहीं, अरविंद केजरीवाल की मुलाकात नहीं हुई, वो उस वक्त घर पे थे, ये बात तय है। बाकी जो उनके और करीबी लोग हैं, जो कि सिक्योरिटी से लेके और उनका पूरा मीटिंग शेड्यूल्स और उनकी ड्राइविंग से लेके सब कुछ देख रहे हैं, उनमें उस टीम में भी कई लोग ऐसे थे कि जो उस वक्त घर पे नहीं थे और उसके जस्ट बाद पहुंचे हैं, स्वाति मालीवाल के दाखिल होने के बाद पहुंचे हैं वहां पे। तो ये किसी को हजम नहीं हो रहा था। मैं सच्चाई बताऊं कि जैसे ये खबर आई थी कि इस तरह की है, हमने सबसे पहले स्वाति मालीवाल को फोन किया था, 10 से पहले ही मैंने फोन किया था, मेरी बात नहीं हो पाई, और इसके पीछे की सच्चाई जानने की हमने कोशिश इसलिए की कि जैसा हम लोग जानते हैं, पिछले 14-15 साल से मैं विभव कुमार को जानता हूं, यहां से नहीं, यूनिवर्सिटी के टाइम से जानता हूं। वो ऐसा व्यक्ति है कि वो किसी पे ऊपर में हाथ उठाए या गाली गलौज करे, ये एक बार में हम लोगों को यकीन नहीं हुआ था, और इसलिए हम तस्दीक करना चाह रहे थे। हालांकि पार्टी ये कह रही कि बदसलूकी की है तो हम वो बात मान रहे हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये नहीं लग रहा था हम लोगों को। और अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महज 2-3 का वक्त ऐसा था
जब स्वाति मालीवाल और ये विभव कुमार आमने सामने थे और सीएम के घर के अंदर में, और एक चीज भास्कर और बता दीजिए बस, वो पुलिस की टीम, ये वो पीसीआर की वैन जो उस वक्त घर पे पहुंची, उसने उसने तो बात की ना स्वाति मालीवाल से, वो क्या बता रहे हैं? स्वाति मालीवाल के यहाँ पुलिस लोकल, सीएम के यहाँ पे लोकल पुलिस भी पहुंची थी। स्वाति मालीवाल जब घर से निकली है रोते हुए निकली है, पुलिस का ये कहना है कि घर से जब निकली है रोते हुए निकली है। पैदल ही स्वाति मालीवाल को वही पुलिसकर्मी जो आगे तक छोड़ के आए थे उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने ये सारा चीज बताया है। और वो मान, वो लोग वो मान रहे थे कि बहुत ही परेशान थी, परेशानी की वजह आपकी बात हुई है, जरा डिटेल में बताइए पुलिस वालों ने क्या बताया, स्वाति मालीवाल ने उनसे क्या बात की? स्वाति मालीवाल बहुत गुस्से में थी, वही सिर्फ वो बता पा रहे थे रोते हुए। और एक तरह से कोशिश वहां पे जो पुलिसकर्मी थी, पुलिसकर्मी थे उनकी ये थी कि इनको किसी भी तरह से इस स्पॉट से आगे हटाया जाए। वजह ये थी कि उन्होंने 100 नंबर पे भी, 112 नंबर पे भी कॉल किया था और सीएम आवास से वहां पे किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना पैदा हो, इसीलिए स्वाति मालीवाल को वहां से लेके और उनको वहां से हटाया गया। एक चीज और बता दूं, स्वाति मालीवाल कोई किसी गाड़ी से भी नहीं पहुंची थी, वो टैक्सी से पहुंची थी वहां पे। कोई अगर मीटिंग पहले से तय हो, कोई समय अगर दिया गया हो तो वो अपनी गाड़ी से आ सकती थी, उनकी गाड़ी की एंट्री होती अंदर में, रुकावट नहीं होती किसी भी तरह की, वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए सब कोई मिलने आया, सिर्फ स्वाति मालीवाल नहीं मिली थी, हालांकि वो जेल पे पहुंची थी, उसके बाद सीएम से मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही थी? ठीक है, इसके पीछे की वजह क्या है? अब वजह तो भास्कर आप ही को ढूंढ के बतानी पड़ेगी। मैं फिर लौटूंगा आपके पास। अनामिका इस वक्त स्वाति मालीवाल के घर पर हैं जहां पुलिस की टीम उनसे बातचीत कर रही है। भास्कर आपको सारी कहानी बता रहे हैं क्या हुआ, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन आपने जो एक शब्द इस्तेमाल किया फोर्स एंट्री जैसा था, जैसे स्वाति मालीवाल घर के अंदर गई, रिकॉर्ड कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, लेकिन वो लड़ झगड़ कर किसी तरह अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद ये सब कुछ ब्रेक मजबूरी, हम इसी पर इस पर देखिए, कोई भी व्यक्ति ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंच जाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ड्राइंग रूम जब एक्सेस है और उस समय विभव कुमार नहीं थे तो मारपीट की शुरुआत, जब अपॉइंटमेंट था ही नहीं तो वो अंदर गई कैसे?